हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमन। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक और यहीं पर आप लोगों को याद भी हो जाएगा। वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, आपको बहुत ही ध्यान से जो है वह वीडियो को सुनना है। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं कि इतिहास का यदि काल विभाजन करते हैं तो मानव के संपूर्ण इतिहास को हम तीन कालों में बांटते हैं। कौन कौन से? नंबर वन प्राक युग, नंबर टू आद्य युग और नंबर थ्री ऐतिहासिक युग। प्राक युग जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, जिसमें पाषाण काल आता है, पत्थरों की खोज हुई थी। ठीक है, लोगों ने पत्थरों के औजार जो है वो बनाए थे, कंदमूल फल वगैरह ये खाकर वो लोग जीवन यापन करते थे और कोई भी लेखन कला जो है वहां से नहीं मिली है, लोग लेखन कला से अपरिचित थे। दूसरा आया आद्य युग, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर है सिंधु घाटी सभ्यता, जहां लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ा गया है, उसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कालीबंगा स्थल। और तीसरा युग जो आता है ऐतिहासिक युग, जहां लिखित साक्ष्य भी मिले और जिन्हें पढ़ा भी गया। तो कालीबंगा जो स्थल है तो यह सभ्यता जो है आज से 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। ठीक है, और इस स्थल का कालीबंगा नाम जो है वो क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली। पंजाबी भाषा जो है वहां पर बंगा को क्या बोलते हैं? चूड़ी बोलते हैं। और इस जगह से हमें काले रंग की चूड़ियां मिली तो उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया कालीबंगा सभ्यता। चलिए अब नोट से हम पढ़ते हैं कि जिला जो है हनुमानगढ़ है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में यह सभ्यता जो है वह विकसित हुई। इसके जो खोजकर्ता है, जिन्होंने इसे खोजा कि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां हैं और इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता जो है कहा गया, इसकी खोज करने वाले कौन है? अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने 1951 से लेकर 1952 ईस्वी तक इसकी खोज की और इस सभ्यता का पता लगाया। उत्खननकर्ता जो खुदाई की, जिन्होंने अवशेष जो है वो निकाले, जिन्होंने यह पता लगाया कि यहाँ पर जो है पक्की ईंटें मिल रही हैं या कच्ची ईंटें मिल रही हैं या बहुत सारी खुदाई के जो है वो सामान मिल रहे हैं, तो वो कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर, जिन्होंने उत्खनन कार्य खुदाई का कार्य किया 1961 से 1969 तक। अब देखिए कि कालीबंगा सभ्यता जो है, कालीबंगा स्थल जो है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई? क्योंकि कोई भी सभ्यता जो है उसका विकास वहीं पर होता है जहां पर जल की व्यवस्था हो, तो उसके लिए जरूरी है कि वहां नदी होगी। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वह घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, ये आपको याद रखना है। उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि घग्गर नदी जो कि वर्तमान नाम है, प्राचीन नाम इसका क्या था? सरस्वती नदी। ठीक है, जो कि द्रजदती की सहायक नदी मानी जाती है। कई गाइडों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सरस्वती नदी जो है इसी को प्राचीन नाम द्रजदती नदी कहा गया है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सरस्वती जो है इसका वर्तमान नाम घग्गर नदी है, जिसे हम आज जानते हैं, और ये जो सरस्वती नदी है यह द्रजदती की ही सहायक नदी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां, जो कि मैंने आपको बताई थी कि पंजाबी भाषा में जो बंगा है उसका अर्थ होता है चूड़ी, और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली इसीलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा से हमें दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब एक ही सभ्यता से हमें दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कैसे प्राप्त हुए हैं? सबसे पहला है प्राक हड़प्पा काली, यानी हड़प्पा से भी पहले के समय यहाँ लोग रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर सभ्यता विकसित हुई होगी। दूसरा है हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन जो है वो 2400 ईसा पूर्व की, जिसे सोती संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हड़प्पा काल से भी पहले यहाँ पर एक संस्कृति थी जिसे सोती संस्कृति कहा गया, जो कि बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ जिले तक की मानी जाती है। तो हड़प्पा काल से पहले की है, हड़प्पा कालीन जो है वो नगरीय व्यवस्था है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम नगरीय व्यवस्था जो है वो मानते हैं, तो इससे पहले की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी? ग्रामीण होगी, तो यहाँ पर ग्रामीण अवशेष मिले, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले। ठीक है, जो भी हमें गांव में मिलते हैं अवशेष वही चीजें यहाँ पर मिली। उसके बाद जब हड़प्पा काल की बात हुई
सिंधु घाटी सभ्यता के समय के अवशेष मिले 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राक हड़प्पा कालीन में हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए और हड़प्पा कालीन में हमें कैसे प्राप्त हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, ठीक है, जिसे हमने कहा था सोती संस्कृति के अवशेष जो हैं वो हमें यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता होने की वजह से स्वाभाविक है यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिलेंगे, और जब मकान कच्ची ईंटों के होंगे तो अगर भूकंप आएगा तो मकानों में दरार मिलना तो स्वाभाविक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दो फसलें एक साथ यानी चना और सरसों, इन दोनों फसलों को एक साथ उगाया जाता था। इसका मतलब कि वो लोग जो है वो कृषि से परिचित थे, इसी वजह से यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों दो फसलें उगाई जाती होंगी। तांबे के बैल की मूर्ति मिली, तो तांबा जो है उससे ये लोग परिचित थे, इसी वजह से इन्होंने बैल की जो मूर्ति है वो बनाई होगी, यानी तांबे से परिचित होंगे। इसके बाद जो सभ्यताएं आएंगी तो वहां हमें देखने को मिलेगा कि कांसा जो है उससे परिचित हो जाएंगे लोग, और उसके बाद जो है वो लोहे की खोज हो जाती है। तो प्राग हड़प्पा कालीन जो अवशेष है, यहाँ हमें तांबे के बैल की मूर्ति मिली, काले रंग की चूड़ियां मिली, पत्थर का सिलबट्टा मिला, आड़ी तिरछी रेखाओं वाले मृदभांड जिन पर विभिन्न चित्र अलंकृत हो। तो आड़ी आड़ी और तिरछी रेखाओं वाले क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले जिन पर बहुत सारे चित्र जो है वो अलंकृत थे। तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। पूर्व हड़प्पा काल के बाद जो है कालीबंगा सभ्यता में हमें हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं, तो इससे तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यह सभ्यता जो है 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। यह नगरीय सभ्यता थी, नगरीय है तो यहाँ पर जो है पक्की ईंट जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता, तो तांबे के बाद जो है वो कांसा जो है उसकी खोज हुई, तो यहाँ पर कांसा जो है उसके बर्तन मिले, ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। वृहद स्नानागार, कालीबंगा सभ्यता में हमें बहुत बड़े स्नानागार जो है वो मिला। सड़कें जो है वो पक्की ईंटों से निर्मित हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, जहां पर सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली है। कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा जिस पर सात अग्निकुंड मिले हैं, देखिए ये जो लाइन है ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि कौन सा जो स्थल है वहां से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला जिस पर सात अग्निकुंड मिले। अब बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो प्राक हड़प्पा कालीन का समय जो है वो कर देते हैं। लेकिन याद रखना है कि कच्ची ईंटें जो हैं वो प्राक हड़प्पा कालीन में तो मिली हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो यहाँ पर भी मिली हैं, हड़प्पा कालीन में भी मिली हैं। तो कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरा जिस पर सात अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, ये लाइन जो है इसी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, वह गारे का लेप किया जाता था। तो ईंटें तो पक्की मिली हैं, लेकिन इनके ऊपर लेप किसका करते थे, गारे का करते थे। बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार बर्तन मिले हैं, बेलनाकार तंदूर के प्रमाण भी मिले हैं। सूती कपड़ा में लिपटा चांदी का उसरा मिला है। इसके अलावा कालीबंगा स्थल से हमें गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की बनी हुई नालियां भी मिली हैं। तो हालांकि ये नगरीय सभ्यता है, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए नालियों का प्रयोग किया गया, घर का जो गंदा पानी है उसके निकास के लिए नालियों का प्रयोग किया गया, और ये नालियां किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की और ईंटों की बनी हुई थी। ईंटों में भी विशेषकर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो लकड़ी और ईंटों की बनी हुई नालियां मिली हैं गंदे पानी के निकास के लिए। बलि प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि लोग जो है वो मानते थे कि धार्मिक चीजों में यदि बलि दी जाए तो उनका भला होगा,
तो यानी यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो भी होती होगी, बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, तो यहाँ के लोग पूजा से भी परिचित थे। रोटी बनाने के क्या मिले हैं, तंदूर मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो देखिए कहीं पर हमें काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं हमें लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन यहाँ हमें कैसे मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऊंट की अस्थियां जो हैं वो मिली हैं, तांबे का बैल मिला है, गाय के मुख वाला प्याला मिला है। तो देखिए ये तो पूछा ही जाता है एग्जाम में कि ऊंट की अस्थियां जो हैं वो हमें किस सभ्यता से मिली हैं, किस स्थल से मिली हैं, या गाय के मुख वाला प्याला हमें किस स्थल से मिला है। ठीक है, और इससे हमें ये पता लगता है कि वो लोग ऊंट को भी पालते थे, वो लोग बैल को भी पालते थे, और वो लोग गाय से भी परिचित थे, यहाँ तक कि वो बकरी भी पालते थे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इनके नाम अगर पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैम ने तो ये लिखवाया था कि ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ऊंट के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इनका मतलब यही है कि ऊंट की अस्थियां मिली हैं, यानी वहां ऊंट पालते थे, वहां बैल पालते थे, और वहां गाय बकरी भी पालते थे। काश्य दर्पण भी मिला है। तो हमने जब ऊपर देखा था पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष, तो वहां हमने देखा था कि वो लोग तांबे से परिचित थे, लेकिन कुछ समय बाद जो है लोग कांसे से भी परिचित हुए। तो कांसे से बना हुआ दर्पण यानी शीशा मिला है, तो यानी कि लोग जो है, स्त्रियां जो है वह श्रृंगार जो है वह करती होंगी। कांच की मणियां मिली हैं, खिलौने मिले हैं जिससे कि बच्चे जो हैं वो खेलते होंगे। हाथी दांत से बना हुआ कंघा मिला है, ठीक है, यानी वहां के लोग जो है साज सज्जा जो है वह भी जानते थे। तो ये नहीं सोचना है कि आज की सभ्यता में ही सभी लोग जो है इस चीज को जानते हैं, हमसे पहले भी लोग जो है वो इस चीजों से परिचित थे। कृषि नगर की चार दीवारी के बाहर होती थी, यानी कि नगर जो है उसकी चार दीवारी में लोग रहते थे, और उसके बाहर जो है वो खेती होती थी। अब आता है नगर नियोजन। तो नगर के बाहर जो है, चार दीवारी के बाहर जो है वह खेती होती थी, और नगर नियोजन जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी टीला जो कि दुर्गीकृत था। अब दुर्गीकृत है तो वहां पर तो बहुत ही अच्छे लोग, बड़े लोग, उच्च कुल के लोग जो पैसे वाले होंगे वो रहते होंगे, और पूर्वी टीला जो है जहां पर आम जनता रहती थी, जो कि दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, तो एक एग्जाम में जो है वह पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता से हमें जो नगर नियोजन मिला है जिसमें पश्चिमी भाग जो है वह दुर्गीकृत था या अदुर्गीकृत था। तो याद रखना है पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पर बना हुआ था, वह दुर्गीकृत था, जहां पर महाजन वगैरह जो अमीर लोग थे, अमीर वर्ग वह रहते थे, और पूर्वी टीला जो था जहां आम जनता रहती थी। नेक्स्ट है बकरी को खींचकर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला एक मृदभांड भी मिला है, जिसमें दिखाया गया है कि मनुष्य जो है वह बकरी को खींचकर ला रहा होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लोग जो है बकरी को भी पालते होंगे। बाजरे का साक्ष्य मिला है, व्याघ्र यानी कि चीता, तो चीते की जो मोहर है वह भी मिली है। तो देखिए मोहर भी मिली है, तो कुछ ना कुछ तो उसपे लिखा होगा, लेकिन उस लिखावट को हम नहीं पढ़ सकते, उसको नहीं पढ़ा गया है। बच्चे की छह छिद्र वाली खोपड़ी जो है वो है कालीबंगा स्थल से हमें मिली है, यानी ये लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। ये लोग आजकल जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वह भी उस टाइम हुआ होगा, इसी वजह से बच्चे की छह छिद्र वाली खोपड़ी भी मिली है। युग्मित शवाधान यानी कि जोड़ों में जो है शवों को दफनाया जाता होगा, ठीक है, यह भी मिला है। दुर्ग के अवशेष मिले हैं, तो दुर्ग के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दुर्ग के अवशेष हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो यहाँ तक कालीबंगा जो सभ्यता जो है वह आपकी कंप्लीट होती है। एक भी फैक्ट जो है वो आपको छोड़ना नहीं है, एज इट इज उठकर एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कुछ नोट है, और वो क्या है, स्टुअर्ट पिगट ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है।
ठीक है, कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, और इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, लेकिन वहां पर क्या दिया था, स्टुअर्ट पिगट भी दिया था और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी दिया हुआ था। ठीक है, तो कई बच्चों ने आंसर जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा को लगा दिया था कि उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, तो यहीं पर आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि यह कहने वाले थे स्टुअर्ट पिगट, लेकिन इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जो है, जिसका समय 2350 से 1750 तक का माना जाता है, उससे पहले जो है सोती संस्कृति, जो कि कालीबंगा से पहले की, यानी कालीबंगा प्रथम उसे कह सकते हैं। अब देखिए, ये सभ्यता जो है इतनी अच्छी थी, नगरीय थी, ठीक है, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, पक्की ईंटें मिली हैं, और कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, तो लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, नदी के किनारे पर ये सभ्यता मिली। फिर भी ये सभ्यता जो है इसका विनाश हुआ, और वो क्यों हुआ, तो कई लोग बोलते हैं कि नदियों का जो पानी है वो सूख गया, तो लोग जो हैं वो यहाँ पर कैसे रह सकते थे, दूसरी जगह पलायन कर गए होंगे, या फिर लोग जो है वो पानी से पीड़ित होकर जो है वो मर गए होंगे, या यहाँ पर मरुस्थल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग जो है यहाँ नहीं रह सकते थे, इस वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो ये सभी अलग अलग जो है वो इतिहासकारों के जो है वह विचार आते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इसके विनाश का कारण नदियों के पानी का सूखना या मरुस्थल का बढ़ना है। तो ये सभ्यता जो है हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो है आहड़ सभ्यता, ठीक है, आहड़ संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक बार आपको वीडियो जो है वह सुनना है, और उसके बाद आपको इस चीज को बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो याद कर लेना है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों की जो है नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग एक भी पॉइंट जो है वो गलत लर्न नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।